शिवपुरी जिले के पिछोर विधायक केपी सिंह पर हुई एफआईआर के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पिछोर विधायक पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। पिछोर विधायक केपी सिंह पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले को लेकर पिछोर पुलिस ने कल पिछोर विधायक दर्ज किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। किस प्रकार का प्रदर्शन और क्या कुछ मांग थी आपकी यहाँ? आज कल भी हमने पिछोर में माननीय कत्काजी साहब के सम्मान में सभी महिलाओं को इकट्ठा किया था और आज करेरा में भी है और आज हम यहाँ जिला शिवपुरी में इकट्ठे हुए हैं और हम माननीय एसपी साहब से हमने ये मांग रखी है कि जो निराधार झूठी एफआईआर माननीय विधायक जी के खिलाफ उन्होंने उनके प्रशासन ने की है राजनीतिक दबाव के चलते, उसको जाँच कर निरस्त की जाए। यही हम सब महिलाओं का कहना है क्योंकि माननीय कत्काजी साहब हमेशा महिलाओं के छत्र छाया देने वाले रहे हैं। हमेशा बेटियां उनके 30 साल से उनके राज्य में सुरक्षित है और उनके मान सम्मान की वो हमेशा रक्षा करते हैं। आज भी कोई हमसे पूछ रहा था कि चार महिलाएं कहां से हो गई, आज भी हमारे पूरे पिछोर विधानसभा में जन नगर पालिका अध्यक्ष दोनों और नगर जनपद अध्यक्ष दोनों चारों महिलाएं हैं। कोई भाजपा का नेता बता दे कि विधानसभा में ऐसे चार चार महिलाओं को इतने अच्छे पदों से नवाजा हो, तो ये कुछ नहीं है। हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमारे माननीय कक्काजू पे लगाए हुए लांछन की को हटाए और नहीं तो आज हमने ज्ञापन दिया है, आगे क्या क्या होगा ये तो समय तय करेगा। आपने इसके बारे में भी कुछ जिक्र किया था, वो क्या पूरा मामला था? कौन सा बातें कुल कर रहा है, वो क्या मामला था? वो भी मेरा पर्सनल है। मैं एक कांग्रेस पार्टी की पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ, माननीय विधायक जी की विधायक प्रतिनिधि हूँ। उस पर मैं चूंकि लोधी समाज से आती हूँ, 20 साल से माननीय कक्काजू की छत्र छाया में हूँ, तो पिछले 20 साल से ही भाजपा के लोग लोधी समाज के व्यक्ति को टिकट देते हैं तो वहाँ पे सामाजिक वैमनस्यता का माहौल वो लोग पैदा करते हैं। उसी को लेके हमें जातिगत आधार से लोग धमकियाँ देते हैं कि जान से मार देंगे और अभद्र भाषा को लेके इतनी टिप्पणी करते हैं कि जिनको बोलने में शर्म आए। वो भी हमने आवेदन दिया है, जिसको मैं दो बार SDOP महोदय को उसके संबंध में आवेदन दे चुकी हूँ और पूरे सबको बताया था। आज SP महोदय को बोला है कि और जिसने कुछ नहीं बोला उस पर तो राजनीतिक प्रशासन का फायदा उठा के FIR आधे घंटे में कर दी। और हम महिलाएं नहीं है क्या? हम कांग्रेस की हैं तो हमारा सम्मान नहीं है क्या? शिवराज सिंह की अकेली भाजपा वाली बहने हैं और पूरा मध्य प्रदेश पागल है, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं पागल है जो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज हम सब ने यही मांग रखी है कि दोनों मामलों की माननीय SP महोदय जाँच करें और उनका निराकरण करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।